ये देखिए गाइस, कहीं आनंद आ रही हो है? है पब्लिक, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइज क्या हाल चाल आप सभी के, आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज आज हम जा रहे हैं हमारे एक मित्र के खाना है, बड़ा आनंद आने वाला। आज दबार कटर कैंसा, ये हिंदुस्तान की सबसे महंगी गाड़ी है और इसी के अंदर बैठ के हम जाएंगे। और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं शुभम जी मंत्री और आगे बैठे शुभम जी बशेर। आज एक दोस्त के खाना है गेलेश्वर महादेव नाथ के यहाँ पे श्रावण के अवसर पे, शुभ अवसर पे। और आज अमावस्या भी है, बड़ा ही सौभाग्य है साली है हम लोग की, आज हमें निमंत्रण मिला और हम खाना वाना खाने जाइए। हमारे अंग्रेज भैया भी आ चुके हैं और वहाँ पहुँचेंगे और बहुत ही आनंद आएगा क्योंकि नदी के किनारे भगवान गेलेश्वर नाथ विराजमान है और ये सौरभ भैया भी आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये हमारे भवेश जी भी जा रहे हैं जिम ने। की सबसे महंगी गाड़ी में आज फिर यात्रा करने का अवसर मिला है। गाड़ी के ओनर आके बैठे हैं सर शुभम जी। सर अब तक कितने के पैसे लगा दिए गाड़ी में? 60,000 रुपए लगे। कितने? 700 करोड़। पीछे देखे बोलो, 700 करोड़। 700 करोड़, फिर भी गाड़ी अच्छी चल रही है और एसी फुल चल रही है, सी लग रहा है, समझ रहे हो। और ये देखिए आप, अब कुछ ही क्षण में हम पहुंचेंगे गेलेश्वर नाथ के यहाँ पे। और ये इधर देखिए आगे भवेश जी भी दाढ़ी वाड़ी बना के आए हैं, जिम नहीं के जा रहे हैं अभी। वाह। तो गाइस ये जो रोड है अभी हम जा रहे हैं गेलेश्वर महादेव के, बहुत ही सुंदर सुंदर वादियां हैं जैसा आप देखिए सामने, कितने अच्छे अच्छे पर्वत है और ग्रीनरी हो रखी है। और ये अभी थोड़ी बारिश की कमी है, बाकी बहुत ही आनंदमय सफर रहता है इधर का। गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, एक बहुत ही सुंदर बनास नदी है ये देखिए आप, और महादेव जी विराजमान है वो सामने, तो आसन माता विराजमान है। आपको नदी का सीन दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ पे नदी का। ये देखिए आप, नदी बह रही है, ये पानी आप जो कि देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, एकदम नेचर जैसे आप प्रकृति की गोद में खेल रहे हो आनंद। ये सारे दोस्त मछलियों को कुछ खिला रहे हैं और बड़ा ही आनंद आता है जब भी हम गेलेश्वर जी भगवान महादेव के शरण में आते हैं। और अभी श्रावण मास चल रहा है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, सबसे हिंदुस्तान की सबसे महंगी गाड़ी देख लो, आए हाय नजर ना लग। शुभम जी, वो शुभम जी गाड़ी के ओनर है। गाइस अब हम जा रहे हैं जिमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जिमने के लिए 2-4 बार फोन आ चुका हमारे। अच्छा, पर ये आप वादिया देखिए, यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता है, इतना शानदार सुकून। और उधर देखिए बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं। पहुँच चुके हैं गेलेश्वर जी के और अब भगवान के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में खाना वाना खाएंगे। पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम गाड़ी वाड़ी खड़ी करेंगे और यहाँ पे शिव परिवार और कृष्ण कन्हैया सब बैठे हुए हैं। एंट्री गेलेश्वर महादेव नाथ की जा रहा हूँ प्रभु आपकी, और अंदर चल के भोजन वोजन करेंगे। और ये देखिए चश्मा लगाए आप, यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करोगे सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन, जय हो प्रभु आपकी, फिर उसके बाद में बाबा रामदेव के दर्शन। और ये सारे जितने भी मेहमान हैं इनके गगरानी परिवार का खाना आज गेलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में। और अब हम आपको महादेव जी के दर्शन करवाएंगे, ये हमारे मित्र महादेव जी के दर्शन कर चुके हैं। ये बाबा की धुनी के दर्शन करिए सबसे पहले, जय हो शंकर भगवान की, जय हो हे महादेव नाथ, जय हो आपकी। ये गाइस आप दर्शन करिए गेलेश्वर महादेव नाथ के, जय हो प्रभु आपकी संकट मोचन कृपा निदान, जय हो दीन दयाल विरुद्ध संहारी हरो नाथम संकट भारी। और बहुत ही सुंदर अद्भुत बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमारे जितने भी मित्र है भगवान भोलेनाथ से न जाने क्या चाहिए इनको, ये देखिए इनकी कहीं मांग रहे भगवान हो, भगवान सब कुछ मांगना चाहते तो भगवान दे सकते हैं। हे भोलेनाथ इन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, और जिन जिन के भी स्टेपणियां नहीं है उनके जल्दी से स्टेपणियां आ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत तकलीफ में अभी है। और जिनके स्टेपणियां आ चुकी है उनके थोड़ा और आगे का प्रोसेस। भैया आपको क्या चाहिए भगवान से? सर पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री जो भी हो जाए। चलो ठीक है भोलेनाथ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सौरभ जी आप भी भगवान से कुछ कह रहे हो? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये भोजन की उत्तम व्यवस्था, और यहाँ पे ये देखिए आप लड्डू वड्डू, और ये मोती, ये लड्डू है ये। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये लड्डू का भोग लगा भगवान के, और अभी सब लड्डू वड्डू खाएंगे। और सारे बैठे हुए वो मोहित जी हो रहे हैं, और ये टप्पू जी हर्षित भैया दाल निकाल रहे हैं, शिव जी गगरानी मैनेजमेंट देख रहे हैं। सर आज लड्डू बाटी किस उपलक्ष में है? ये हमारे सावन मास खत्म होने के उपलक्ष में है। अच्छा अच्छा, और पूर्णावती हुई। अच्छा, और अभिषेक हुआ,
और अब खाना चालू हो गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ये आप धरना देने जा रहे थे? नहीं, हम धरना नहीं दे रहे। हमें पता था लड्डू बाटी फिर खत्म हो जाएंगे, पहले लड्डू बाटी खाएंगे फिर धरना देंगे। यही काम है। हाँ, खाना पीना कुछ देखते हो आप देश के प्रति अपने, तो हम क्या कि हमारा एक कारण है, उसका कारण ये कि आप इतने प्रेम से बुलाते हो फिर हमसे रहा नहीं जाता है। आप जितना हमने प्रेम से बुलाओगे फिर हमसे रहा नहीं जाएगा। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं था, पर मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। देश के कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? प्रति हमारी श्रद्धा है, पर अगर आप हमें ऐसे जिमाओगे तो फिर आप इतने प्यार से बुलाओगे तो फिर हम धरना छोड़ के जिमने आएंगे। आप समझिए, आपकी ये सब चीजें रिकॉर्ड की जा रही है। हाँ, तो हम जिले के प्रति पूरे समर्पित हैं। और सर आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, ये आज किस उपलक्ष्य में जिमा रहे हो, हम धरना छोड़ रहे हैं। हमें तो धरना में जवाब देना, समझ रहे हो? कुल मिला के हमें डाइवर्ट कर रहे हो आप। ये देखिए, देश के प्रति हमें जो, मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनो, देश के प्रति हमें यही लोग डाइवर्ट करते हैं और इन्होंने जीवने का नोता दिया था। लोटा चढ़ाइए। हाँ, और जिंदगी बनाइए। महेश्वर जी के मंदिर प्रांगण में बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, आराम से ये चद्दर उद्दर टिन सेट लग गए हैं। लोगों का काम छोड़ के ये अपने CA साहब श्री राजेश जी गगरानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लाडुओं की बजा रहे हो बारह श्री गैलेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में गगरानी परिवार का छोला द्वारा जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और भगवान भोलेनाथ को जो भोग लगाया गया, ये जितने भी पुजारी लोग पंडित लोग हैं उनको अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ और महायज्ञ का आयोजन हुआ। फिर उसके बाद में ये स्नेह भोज का आयोजन है, भोजन करेंगे। फिर उसके बाद में ये हमारे सेठ साहब श्री सुरत राम जी गगरानी साहब चल रहा खाना, ये पुरुष वर्ग इधर पे ये यज्ञ का कार्यक्रम हुआ था गगरानी परिवार का गैलेश्वर मंदिर प्रांगण में सावन माह के उपलक्ष में। आज अमावस्या भी है। गगरानी परिवार के मेन मुखिया कैसे हो भाई, तबीयत बढ़िया? आनंद है भाई। जब ये दाल बाटी की टक्कर देने के लिए बैठ चुके हैं कटर के इनसे, और ये सबसे पहले लाडू का आनंद ले रहे हैं। अभी पतले में कुछ आया नहीं, लाडू है और खाने भी लग गए। ये हमारे इधर उस्ताद श्री तंवर जी लाडू के कम देवे क्योंकि शुगर होने की संभावना पूरी, और गुरुजी इसका ध्यान रखना थोड़ा आप, है ना। और ये देखिए आप, ये मुगल जी क्या लाए आप, खड्डी लेके आ गए। अब हम खाना वाना खाएंगे गाई। ये देखिए गाई, कही आनंद आ रही हो बजा आएगा ना भिड़ो है, इसीलिए इनको फिर दो चार जनों के झेमड़े में नहीं बुलाया जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लपड़ा यही है, आप हाथ ना लगाए, ये लाडू ले लाडू, ये देखो दो दो लाडू भाई झिमने का आनंद आ गया। गैलेश्वर नाथ के यहाँ पे गगरानी परिवार की तरफ से जो खाना था वो ये दिख रहा है। ये बड़े वाले भैया ये तहसील वाली वीडियो में थे ये, और अब आपको बताया वापस हम भिलवाड़ा मिल रहे हैं बहुत जल्दी। ऐसा आप भिलवाड़ा में रहो भले साबरा में, लाडू कोई नहीं देगा। थोड़ा आ गया वहाँ पे क्या, लाडू कोई नहीं देगा, पर हम भिलवाड़ा में जा रहे हैं, तुम भी साबरा जाना। साबरा वाला कह रहे आओ आगुचा मन से जितना चाहे चांदी ले जाओ और हमें कुल मिला के साबरा दे दो। हमें नहीं चाहिए साबरा वाबरा, हम भिलवाड़ा में रहेंगे। मुझे ये बताइए कौन हैंडसम है, ये या ये कौन हैंडसम लगता है? कौन ये? हाँ, और ये ऑस्ट्रेलियन। हाँ, आगे बोलिए जल्दी बोलिए। ये अपने अन्ना जा रहे वाले, और ये अपने चाचा मिलन जारी। वाह, भगवान गैलेश्वर महादेव की आरती के भव्य दर्शन आप सब भी करिए। गैलेश्वर भगवान की आरती हो रही है। कैसा लगा फिर यार लाडू बाटी खा के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके? अभूतपूर्व लगा, और आनंद आ गया सावन के इस
अमावस्या के अवसर पे भगवान भोलेनाथ के दरबार में आके बड़ा ही आनंद आ गया और बड़ा ही अच्छा परिवार की ओर से जो भी पंडित पधारे हैं और जिन्होंने भी यहाँ पे अभिषेक किया है पंडितों द्वारा उनका सम्मान और विदाई। और बहुत ही सुंदर आज का ये कार्यक्रम रहा अमावस्या के शुभ अवसर पे गेलेश्वर धाम में ये महावीर जी पंडित सरतला वाले और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्य संपन्न हुआ। बड़ा ही आनंद आ गया, सारे यार दोस्त मिलकर खाना वाना हो गया और आज के इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।